Let me show you how my commodities become timeless. अभी हम निकल चुके हैं टीके फॉल्स के लिए, जो थोटीकल्लू फॉल्स भी के नाम से भी जाना जाता है। और बारिश हो रहा था इसके लिए थोड़ा सा रुके थे, क्योंकि थोड़ा कवर वगैरह लगाना था। और निकले थे हम 5 बजे के आसपास, अभी बज रहे हैं 5:20। और यहाँ से हमको लग जाएगा 1.5 आवर के आसपास, क्योंकि मेरा स्पीड से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तो चलो निकलते हैं और मिलते हैं आपको डायरेक्ट थोटीकल्लू फॉल्स। तो अभी हम पहुंच चुके हैं टीके फॉल्स, और जो पीछे में देख रहे हो टीके फॉल्स का एंट्रेंस है, यहाँ से अभी स्टार्ट हो रहा था। हम तो पहले ही से जो भी आए हैं, और अभी हम पहले एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री फीस वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट एंट्री है। गाड़ी पीछे पार्क कर दिया है, फिर देखते आगे और क्या क्या है। सो जो अभी है लोग आना स्टार्ट हो गया है, तो पीछे में जो देख रहे हैं आप, अभी लोग आना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं, तो एंट्री में सबसे पहले आपको पूल आएगा, यहाँ से होकर आपको एंट्री करना है। इस ये जो वाटर जो दिख रहा है, एक्चुअली वो फॉल्स का ही वाटर है जो यहाँ पे आया हुआ है। तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं, वो है अर्ली मॉर्निंग 7 बजे पहुँचे हैं। तो 7 बजे यहाँ पे पब्लिक नहीं थी, शायद अंदर में होगी पर बाइक नहीं है। बाइक वहाँ पे खड़ी की थी, 2-3 बाइक्स थी। और खाने पीने का अर्ली मॉर्निंग कुछ नहीं है यहाँ पे, तो शायद आफ्टरनून में या फिर 9 बजे के बाद शायद कुछ आए, तो अभी तो नहीं है। और पीछे में जो है वो वही का वाटर है जो फॉल्स का। तो जैसे ही आप ये वाटर के क्रॉस करते हैं, तो पीछे में आपको दिखेगा मुनीश्वरा टेम्पल। तो यहाँ पे मुनीश्वरा टेम्पल है। तो मुनीश्वरा टेम्पल होके अभी निकलते हैं आगे फॉल्स की तरफ, और उसके लिए स्टेयर्स है। यहाँ पे प्लास्टिक बॉटल कचरा बहुत किया गया है लोगों ने, तो थोड़ा मेंटेन कीजिए। अगर आप आ रहे हैं तो अपना कचरा खुद लेके जाए, इधर ऐसा फेंके ना। तो अभी हम इधर से आए हैं, और इधर पीछे आप देख रहे हैं, तो हमको इधर नहीं जाना है। ओके, हमको जाना इस साइड। सबसे पहले मिलेगा आपको कुआं, वेल, जो कि ख़राब करके रखा हुआ है, इतना अच्छा नहीं रखा हुआ है। पानी तो क्लियर दिख रहा है, पर दोपहर में पता चलेगा, पर कचरा बहुत डाला हुआ है। जो लोग ट्रैकिंग वगैरह करते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी प्लेस है, क्योंकि यहाँ से आपको एक ऑफ रोड बोलेंगे, जैसे एक ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस होता है ना, वैसे एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं सुन सकता हूँ फॉल्स की आवाज़ यहाँ भी आ रही है, यहाँ से शायद मैंने जो सुना था 200-300 मीटर का डिस्टेंस है फॉल्स का। पानी तो दिख रहा है यहाँ से बहते हुए। तो अगर आप पिकनिक मनाना चाहते हैं, या थक गए काम से, बोरिंग डे से, और नॉर्मली एक दिन का ट्रिप करना चाहते हैं अराउंड द बैंगलोर, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू विजिट, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलेगा फॉल्स, जिसके नीचे आप रिलैक्स होकर नहा सकते हैं। साउंड अभी सुनाई दे रहा है। रोड्स आर नॉट एक्चुअली गुड, बहुत ख़राब रोड है, ठीक से उतरना है, ठीक से चढ़ना है। अगर एल्डर लोग हैं तो ना आए, जवान लोग ही ऊपर जाए, या फिर नीचे से आप डायरेक्ट फॉल्स को जा सकते हैं, ऊपर ना जाए। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा फास्ट रास्ता, स्पीड से कवर करेंगे डायरेक्ट फॉल्स तक। ओके, शूज जो है वो अच्छे ग्रिप के पहन के आइए। ओके, मैं अपने उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर भाई है तो है। तो जो फॉल्स है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये गिरते 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 यहाँ पे नीचे जाता है, जहाँ पे आप फॉल्स के नीचे बैठ के नहा सकते हैं, और हम भी नहाएंगे। कैमरा किसी और को देंगे पकड़ने के लिए, पर नहाएंगे ज़रूर। अभी हम निकालेंगे शूज और जाएंगे पानी में, प्रिपेयर कर लो खुद को। ग्रुप आया हुआ है यहाँ पे, बस। तो यहाँ पे आप 2-3 घंटा इजीली स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले आप ऊपर आइए, ऊपर आने के बाद में ये पानी में यहाँ पे पैर रख के और रिलैक्स कीजिए खुद को। उसके बाद आपको जाना है उधर नीचे, और जो है ना नीचे जहाँ पे लोग खड़े हैं अभी,
वहाँ जाना है, वहाँ पे हम नहाएंगे। थोड़ी देर में जाएंगे वहाँ पे और नहाएंगे। भाई फॉल्स में आए और नहाए नहीं तो फॉल्स में आए ही क्यों? झरने का मजा तभी है जब नहाएंगे। सारी काम की थकान यहीं पे निकलेगी आज। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे आने का कैसे, ठीक है? तो बाइक से आओगे तो डेढ़ घंटे का, 50 किलोमीटर बैंगलोर से। लोकेशन का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं, डोंट वरी फॉर देट। ओके, देन अगर आप बस से आ रहे हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आपको 2-3 बस चेंज करनी पड़ेंगी, और यहाँ से जो अंदर आना है आपको 3 किलोमीटर का रास्ता, शायद आपको ऑटो लेना पड़े। हाईवे तक ही बस आएगा, उसके बाद आपको 3 किलोमीटर का ऑटो लेना पड़ेगा। कार से आते तो बेस्ट, क्योंकि आज जैसे माहौल था मॉर्निंग में, ड्रिजलिंग हो रहा था तो थोड़ा सा हम भीग गए। डेढ़ घंटे के अंदर में आ गया। डेढ़ घंटे का जर्नी है, बीच में कुछ खा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शॉप नहीं होते ओपन, शायद अभी ओपन हो गए रहेंगे, 7 o'clock ओपन नहीं हुए थे। अभी बज रहा है 8, एक घंटा हमारा हो गया यहाँ पे। फॉल्स ओपन का टाइमिंग है 6 बजे से लेके शाम को 6-7 बजे तक के। 6-7 बजे के बाद ना ही आए तो बेटर है। 9 o'clock हम नीचे जाएंगे और कि चेक करने के लिए कि कुछ खाना वाना है कि नहीं है, उसके बाद जाएंगे वो फॉल्स में नहाएंगे और ख़त्म अपना आज का दिन। तो अभी हमारा ऊपर का सब खत्म हो गया है, रिलैक्स कर लिए, अभी जाएंगे हम नीचे में अभी लेंगे हम, नहाएंगे पानी में, खूब मज़े करेंगे। ये बहुत बेटर अच्छा प्लेस है फैमिली के साथ में पिकनिक मनाने के लिए। फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं। पानी का जो फोर्स है ना, परफेक्ट है, ना ज्यादा ना कम। Guess it's been a while since I fell in love, but after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny, my heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long, I've been fighting and keeping strong, now you just gotta... This is the best place for family trip. तो हमारा टीके फॉल्स खत्म। अभी मैं बता रहा आपको मेरा रियल हसल, तो रियल हसल ये था कि फॉल में नहा तो लिए पर कपड़े चेंज करने के लिए अभी प्लेस नहीं है। तो अपन तो लड़के हैं, कहीं पे भी टॉयलेट लगा कर लेते, तो हमने मैनेज कर लिया। सो नाउ वी विल सर्च फॉर सम ब्रेकफास्ट एंड वी विल हैव टू लीव। तो जब मॉर्निंग में आए थे तब ये सब क्लोज था, ये शॉप्स जो है ये क्लोज थे, अभी ओपन हो गए हैं, मतलब 9 o'clock के आसपास करीब हो जाते हैं, 7 o'clock पहुँच जाते इसलिए क्लोज थे। अभी वहाँ पे देखते हैं क्या क्या मिलता है, कितने रुपये का क्या क्या।